नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनका पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो हमेशा सुर्खियों में रहता है। यही वजह है कि उसे भारत समेत विदेशों में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। सोनी टीवी पर आने वाले सभी कार्यक्रमों में से कपिल का शो हमेशा टॉप पर रहता है। लॉकडाउन के बाद द कपिल शर्मा शो की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है और पहले के जैसे ही हर एपिसोड में सेलिब्रिटीज़ का आना जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिनों से द कपिल शर्मा शो को बैन करने की मांग उठ रही है। जी सही सुना आपने, शो के एक एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया गया जिससे ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बल्कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अनुरव गोस्वामी के फैंस भी नाराज हो गए। दरअसल हाल ही में कपिल शर्मा के शो के एक एपिसोड में फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा और एक्टर मनोज वाजपेयी अपने म्यूजिक वीडियो मुंबई में काबा को प्रमोट करने आए थे। इस बीच शो में किकु शारदा और कृष्णा अभिषेक ने एक पैरोडी बनाई जिसमें अनुरव गोस्वामी की नकल की गई थी। इन्होंने अनुरव के सलमान पर सवाल उठाने से लेकर मुझे ड्रग्स दो चिल्लाने की नकल की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने वाले फैंस और अनुरव के फैंस का गुस्सा फूटने लगा और ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट द कपिल शर्मा शो ट्रेंड होने लगा। लोगों ने इस तरह से इस हैशटैग पर ट्वीट किए और देखते ही देखते लाखों सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि इससे भी पहले द कपिल शर्मा शो को बॉयकॉट करने की मांग उठी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब नेपोटिज्म का मुद्दा सामना आया तो शो को बंद करने की मांग उठने लगी, जिसका कारण था शो के प्रोड्यूसर सलमान खान का होना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, द कपिल शर्मा शो बैन होना चाहिए या नहीं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और...